अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, और आज हम नोट्स में से एक्सरसाइज नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर बिलाल। प्रॉपर्टी रेंट 20,000 पर मंथ है, तो इसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टोकन मनी रिसीव 20,000, द बायर ब्रीचेज द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, जिसके लिए हमें 20,000 रुपया जो है वो टोकन मनी रिसीव हुआ या ना रिसीव हुआ, लेकिन जो बायर है उसने बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ दिया। तो इस पर हमने बात की थी इस पॉइंट के बारे में, कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसके ऊपर अगर हमें कोई टोकन मनी रिसीव होती है और बाद में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो वो जो हमें टोकन मनी रिसीव होगी उसे हम फॉरफिट कर लेंगे, मतलब वो हमारी इनकम बन जाएगी। तो ये हमारी इनकम बन जाएगी, इसको हमने प्रॉपर्टी इनकम में प्लस कर लेना, टोकन मनी फॉरफिटेड 20,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और 4, ये इसमें नए पॉइंट है, अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट फ्रॉम न्यू टेनेंट 1,60,000। और पॉइंट नंबर 4 है, रिफंड टू प्रीवियस टेनेंट वैकेटेड आफ्टर 4 ईयर 1,20,000। तो ये यहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है ये किसी को किराए पे दी हुई थी, और उस ओल्ड किराएदार से हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आफ्टर 4 ईयर जो है वो खाली करवा ली है, वैकेट करवा ली है। और जब हमने अपनी प्रॉपर्टी उससे खाली करवाई है 4 सालों बाद, तो हमने उसे 1,20,000 रुपया जो है वो रिफ़ंड कर दिया, और उसी वक्त वो वाली प्रॉपर्टी हमने जो है वो एक न्यू टेनेंट को किराए पर दे दी है, और उस न्यू टेनेंट से हमने जो अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव किया वो है 1,60,000। अब इन दोनों का क्या ट्रीटमेंट करना है ये अभी हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। उसके अलावा एक्सपेंसेस है, रिपेयर चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, एक्सपेंसेस के बारे में हमने बात की थी, एक्सपेंसेस का हमने कुछ भी नहीं करना। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है, मिस्टर बिलाल, टैक्स ईयर 2019 हमने कहा था, ये सारी हेडिंग सेम रहेंगी, सिर्फ नाम चेंज होगा, टैक्स ईयर एंड डेट 30 जून 2019, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। उसके बाद सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, इसके अंदर प्रॉपर्टी रेंट 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये 2,40,000 आ जाएगा। उसके बाद टोकन मनी फॉरफिटेड 20,000, और ये हमारे पास जो नया पॉइंट था अनएडजस्टेबल एडवांस का, तो इसके अंदर आपने क्या फार्मूला लगाना है, अगर आपके पास न्यू एडवांस भी है और ओल्ड एडवांस भी है, तो उस सूरत में आपने ये फार्मूला लगाना है, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस मल्टीप्लाई बाई ये 4/10। ये कहाँ से आया, ये उसने आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए होंगे कि कितने सालों बाद उसने प्रॉपर्टी खाली करवाई है, तो जितने भी साल बताए होंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है, 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे हमेशा 10 ही लिखना, 10 आपका फिक्स रहेगा नीचे। और मल्टीप्लाई बाय ये होल आपने ब्रैकेट बंद करनी है, और मल्टीप्लाई 1/10, ये 1/10 जो है ये अनएडजस्टेबल एडवांस का जो हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी किया था। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो न्यू एडवांस था 1,60,000, ओल्ड एडवांस था 1,20,000, ये 4/10 और फिर 1/10। तो इसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है, ये वाला पॉइंट ज़रा ध्यान से समझने वाला, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है, और ब्रैकेट वाले पोर्शन में से भी आपने सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4/10 करेंगे सबसे पहले, इसको आपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 1,60,000 में से लेस कर देना, और फिर फाइनली आपने 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,200। ये आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 1,60,000 में से 1,20,000 को पहले माइनस करते हैं और फिर उसके बाद 4/10 और फिर 1/10 करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। तो आपने ये कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करनी है, तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। एक्सपेंसेस के बारे में हमने बात की थी, हमने कोई भी एक्सपेंस को जो है वो लेस नहीं करना। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।